Hello viewers, my name is Avantika Sharma, your maths tutor. Let's proceed toward today's topic. That is the question number 4 of exercise 3.5. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of prime factors. सबसे पहले हमें greatest 4-digit number लेना है. तो greatest 4-digit number क्या होता है? 9999. Greatest 4-digit. अब फिर क्या करना है? इसको हमें express करना है in terms of prime factors. इस मीन हमें इसका prime factorization करके इसके prime factors के रूप में express करना है. Then सबसे पहले हम number लिखेंगे 9999. अब ये number किससे divisible होगा? 2 से तो होगा नहीं. 3. 3 से ये number divisible होगा. Then सबसे पहले हम इसका एक factor ले लेंगे 3. ओके अब 3 ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर है तो हमें एक प्राइम फैक्टर तो मिल गया. अब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 3 जा 9. तो हमें क्या नंबर मिला? 3333. अब ये तो प्राइम नंबर है, बचे नहीं है, ये फिर डिवाइड होगा और किससे होगा? नंबर 3 से अगेन डिवाइड होगा. देन हम इसे नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और प्राइम फैक्टर मिल गया, नंबर 3. एंड देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3. देन क्या नंबर मिला हमें? 1111. अब ये तो प्राइम नंबर है बट ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये फिर डिवाइड होगा और ये किससे डिवाइड होगा? 11 से. देन 11 क्या है? एक प्राइम फैक्टर है. यदि 11 से डिवाइड करेंगे देन हमें एक और प्राइम फैक्टर मिल गया 11. एंड डिवाइड करने पे क्या आएगा? 11 बन जा 11, फिर 1 लेंगे, देन सेकंड नंबर लेने से पहले 0 आ जाएगी, देन 0 एंड देन 11 बन जा 11. देन क्या नंबर आया? 101, जो कि क्या है? एक प्राइम नंबर है. देन इसके कौन-कौन से प्राइम फैक्टर्स आए? 3 11 एंड 101. देन हम यदि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करेंगे देन कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 11 मल्टीप्लाई बाय 101. इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके बेटा, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.